आई एम नॉट कम्प्लीट इन इंग्लिश, सो बैठे बैठे विचार भी कर रहा था, कोई कम्युनिकेट करो भाई, बैठे बैठे विचार भी कर रहा था कि जैसे मेरी स्थिति ऐसी हमारे बच्चों की वर्ल्ड लेवल पे जाने पे हुई। सो थैंक्स एंड वेलकम, आपका खूब स्वागत है। आप मैं जोरदार तालियों से विंड जी का स्वागत करूं, कैम्ब्रिज का करूं। मैं एक बार फिर सबको धन्यवाद देता हूं। जय भारत, जय हिंद। तो सुना आपने, मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी को अंग्रेजी नहीं आती है और वो खुद इस बात को भरे मंच से स्वीकार कर रहे हैं। मंत्री जी ने मंच संभाला और क्या कुछ कहा, चलिए आपको एक बार फिर सुनाते हैं। आई एम नॉट कम्प्लीट इन इंग्लिश, सो बैठे बैठे विचार भी कर रहा था, कोई कम्युनिकेट करो भाई, बैठे बैठे विचार भी कर रहा था कि जैसे मेरी स्थिति ऐसी हमारे बच्चों की वर्ल्ड लेवल पे जाने पे हुई। सो थैंक्स एंड वेलकम, आपका खूब स्वागत है। आप मैं जोरदार तालियों से विंड जी का स्वागत करूं, कैम्ब्रिज का करूं। मैं एक बार फिर सबको धन्यवाद देता हूं। जय भारत, जय हिंद। अमूमन जीतू पटवारी का भाषण लंबा होता है, लेकिन जब वो इस कार्यक्रम में बोलने के लिए मंच पर पहुंचे तो अंग्रेजी में अनकंफर्टेबल फील कर रहे मंत्री जी ने सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही अपनी बात खत्म कर दी। जीतू पटवारी के इस बयान के बाद अब ये सवाल उठना लाजमी है कि जिनके पास उच्च शिक्षा जैसा विभाग है उन्हें ही अंग्रेजी नहीं आती है। वैसे अगर जीतू पटवारी की शैक्षिक योग्यता की बात करें तो वो BA LLB हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी अंग्रेजी कैसी है ये तो आपने देख भी लिया और सुन भी लिया। चलिए अब आपको मिलवाते हैं मध्य प्रदेश के एक और मंत्री से जो महज 12वीं पास हैं। इनका नाम है तरुण भनोट। जी हां, प्रदेश के वित्त मंत्री और शिक्षा, महज 12वीं पास। अब जरा इनसे मिलिए। ये हैं मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी। इमरती देवी कितनी पढ़ी लिखी हुई है ये खुद उनसे ही सुन लीजिए। हमारी कार्यकर्ताओं से लेख नहीं होगा, आपके मानदेय साप्ताहिक तक मिल जाएगा। मंत्री जी, मंत्री जी, क्या हमसे तो पूछ रहे हैं कि जी क्यों नहीं हो, क्यों नहीं आओगे? आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है ना? तो साइकिल इस बात को हम आगे करें, अगर आपको कमी पड़ रही है ना तो पक्के में तुम महिला को जो करेगी तो मुझे देनी हम आप हट जाइए। हाँ, मैं आंगनवाड़ी जो सहायिका है उससे अनुरोध करना चाहूंगी कि आप उसी स्थान पर छोड़ दीजिए कहीं। ऐसे में महिला बाल विकास विभाग जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी निभाना कहीं न कहीं थोड़ा मुश्किल है। उच्च शिक्षा मंत्री होने के बावजूद जीतू पटवारी की अंग्रेजी का नमूना तो आपने देख ही लिया, तो चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, भोपाल।